Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. So, आज के ब्लॉग में मैं आप सब पेरेंट्स के लिए कुछ पेरेंटिंग टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करने वाला है आपके बच्चों को टीचिंग करवाने में एट होम. सो और ये स्पेशली मैंने प्री स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लाने वाली हूँ जो कि आपको पता है कि नर्सरी टू UKG होता है. और ये जो क्लासेस होता है ये अकॉर्डिंग टू एज डिवाइड होता है. जो नर्सरी के स्टूडेंट होते हैं वो 2 से लेकर 3 ईयर्स के बीच में होते हैं, और जो LKG के होते हैं वो 3 to 4 ईयर्स होते हैं, और UKG वाले जो होते हैं वो आपके 4 to 5 ईयर्स होते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो नर्सरी के बच्चे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो आप उनको कभी भी कोई भी चीज़ जो है शार्प चीज़ों से इंट्रोड्यूस ना कराए, डायरेक्ट उसको पेंसिल ना पकड़ा दे कि भाई आप लिखो, क्योंकि वो अपने आप को हार्म कर सकता है. सो आप सबसे पहले तो उनमें रीडिंग जो हैबिट है उसको डेवलप कीजिए. इसके लिए आप मार्केट से बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, आप उसे लेकर आएँ, उसमें बहुत अच्छे से पिक्चर्स बच्चों को दिखाएं, ताकि बच्चे जो हैं पिक्चर्स को देख के अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें. और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप बच्चे को टीचिंग करवा रहे हैं तो आप उसे रेगुलर करवाएं. हर दिन कम से कम डेली आप 15 मिनट्स का टाइम तो ज़रूर निकालें, बिकॉज अगर आप आज पढ़ा रहे हो और अगला 10 दिन के बाद पढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं देगा. तो 5 मिनट 10 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा भी बच्चों को हमें फोर्स नहीं करना है कि आपको 1 घंटा ही पढ़ना है. मैक्सिमम मुझे लगता है कि 20 मिनट्स मोर देन इनफ है फॉर प्री स्कूल स्टूडेंट्स. तो आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ एक एक टिप्स जो कि अब हेल्प करने वाला है आपको आपके बच्चे को घर पर पढ़ाने के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूँ. सो गाइज़, बाय.